चलो आप भी साथ चलो मेरे। मैं सारा दिन काम करते थक जाती हूँ। तो जी माशाल्लाह से एक और ट्राली भी हमारे रेत की आ गई है, जिसका अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। यहाँ से देखें बिल्कुल मौसम खराब बना हुआ है, आंधी वगैरह बनी हुई है। बच्चे यहाँ पे रो भी रहे हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं। मैं तो डर गया हूँ कि कहीं शायद दरख्त के ऊपर जिन्ना बैठा हुआ हो, वो ना रो रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और मौसम जो बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ जी, इंजॉय नहीं कर रही फिर आप? हाँ इंजॉय कर तो रही हूँ, कपड़े उठा के अंदर रख रही हूँ, अभी मैं बर्तन धोऊंगी। हाँ जी, उसके बाद काम करेंगे घर का, शाम उसके बाद ये खाना बनाएगी, फिर मुझे खाना देगी, फिर आराम को खाना देगी, फिर खुद खाएगी, फिर आराम से अपने शोहर के टुकड़ों पे पल के सो जाएगी। मैं खुद भी कमाती हूँ। जब हम छोटे होते थे ना, आराम से खाते थे पीते थे, अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाते थे। इजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपना मैं अपना नसीब खाती हूँ, क्या मतलब टुकड़ों पे पल के? मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे जब बच्चा छोटा बच्चा होता है वो कमाता तो नहीं है ना, अपने माँ बाप के खर्चे पे होता है ना। मैं वही मजाक कर रहा हूँ कि ये अपने शोहर के टुकड़ों में पल के सो जाएगी। साफ जाहिर है शोहर थी तो खिलाता पिलाता है ना, बाहर से लेके आता है अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, तो खुद भी खाता है, वो अपने बच्चों को बीवी बच्चों को खिलाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हम क्या बनाएं, क्योंकि आज मौसम अच्छा बना हुआ है, तो आज क्या टिंडे तो ले, वैसे भी हमने नहीं बाजार से, मैंने कहा कुछ स्पेशल कोई अच्छी चीज लेके आता हूँ। क्या लेके आऊँ? शोहर में मुहर में ना कहना मुझे, वो फास्ट फूड होते हैं मैदा बिल्कुल, उसमें ना कल भी बर्गर लेके आए थे, किसी काम का नहीं था, खा तो गई थी फिर भी। बस फिर क्या करे, जब आ जाता है तो फिर खाना पड़ता है। बंदा चीज उसको खराब कहे जो खराब हो फिर खाए भी ना, ये खराब भी कही जाती है फिर खा भी जाती है। तो शोहर में जो होते हैं ना, उसमें कच्ची मिर्ची होती है लाल, वो पानी के अंदर वो कल के ना घोल के वो ना ऊपर डालते हैं, तो वो स्पाइसी बनाने के चक्करों में ना सारा मैदा को मैदे का बेड़ा वर्क कर देते हैं वो। तो शॉर्मे वगैरह के अलावा कोई और चीज अच्छी बताओ, मैं लेके आता हूँ आज। आपको दिल कर रहा था, मैं तो वैसे नहीं, मेरा दिल कर रहा था, इसका दिल नहीं कर रहा था खाने का है? इसका दिल तो खुद करता है, सब हर बार इसका दिल करता है कि मैं मुझे कोई चीज। हाँ आज फिर ना चले, नहीं आज टिंडे पकाओ तुम्हारी मेहरबानी। कोई 200-300 वाला खर्चा बताओ, इतना ज्यादा नहीं है। टिंडे लेके मैं वैसे टिंडे नहीं खाती है। टिंडे बहुत मजेदार पकते हैं, लजीज पकते हैं। पहले बनाती थी आप, कितना अच्छे बनते थे। मैं फ्रेश सब्जी जो है ना, यकीन करें पहले बताओ, ये बहुत ही कमाल की बनती है, लेकिन ये बस आलस कर रही है आज, लेकिन ये खाती ये भी है शौक से टिंडे। वैसे जब सालन में चेंज करवा लूंगी ना अम्मी के घर से या इनके घर से, मैं तो नहीं जाऊंगा चेंज करवाने के लिए। अच्छा तो हम आज टिंडे बना रहे हैं, तो ये आज कुछ स्पेशल लेके आएगा, देखें फिर आज क्या लेके आता है। आपके लिए भी सरप्राइज है जो हम आज खाएंगे। नहीं सरप्राइज तो है, अब मुझे क्या पता कौन सी चीज लेके आनी है, मुझे बताओ कि, तो मुझे गैस मुझे आइडिया नहीं है कि मैं क्या चीज लेके आऊँ, मुझे बताओ मैं वो लेके आऊंगा। मुझे भी नहीं पता क्या लेके आना है आपने। मुझे बताना इसको थोड़ा सा इधर हो जाओ, हाँ ऐसे साफ किया है, तो मैंने भी कल इसको साफ किया था। हाँ तो फिर अब अच्छा लग रहा है कुछ, है ना? हाँ ये जो निशान है ना, ये वाले इन निशान को भी रेज कर दो, ये देखो ऐसे। ये ना मैं सोच रही थी अखबार होता ना, अखबार से ये बहुत अच्छा साफ होता है, कपड़े से भी साफ हो जाता है, छोटा सा शीशा है, इसके लिए अखबार लेके आए हम। मेरी शेयर जो है ना बड़ी हो गई है, और माशाल्लाह लग भी प्यारी रही है ना। मैं खत नहीं करवाता, जिस तरह यहाँ पे होता है ना खत करवाते हैं, तो मैं वो नहीं करवाता, कहते हैं कि वो अगर एक बार आप खत करवा लेंगे ना, तो फिर आप उस तरह नहीं फिरवा सकते। वैसे मैं उस तरह फिरवाता भी नहीं हूँ, मैं मशीन होती है ना जो 4 नंबर होती है, वो 4 नंबर मशीन लगवाता हूँ शेव के ऊपर, मतलब मैं क्लीन शेव नहीं करवाता, फिर वो मुझे बुरी लगती है। पहले मैं जब छोटा था ना,
जब मैं अनमैरिड था तब मैं करवाता था क्लीन शेव, अब चली गई है नाराज होके। ये मुझे ये सुन रही थी ना कि मैं क्लीन शेव कराता था जब अनमैरिड होता था, चाहे मैं तब मैं खूबसूरत भी होता था। नहीं, जब से मैंने शादी की है ना, कि आप ना कुछ ले आओ फिर मैं खाना उतना थोड़ा बनाऊं, फिर खाना भी पड़ा रहता, कल भी हमारे चावल पड़े रहे। ये सुबह शुक्र है सुबह आटा नहीं था हमारा, तो हमने चावल खा लिया, अगर आटा होता ना फिर वो चावल पड़े ही रहते हमारे। नहीं आप मुझे बता दो, मैं वो लेके आऊंगा, मुझे नहीं पता मैं क्या चीज लेके आऊंगी। लेके खाना नहीं ज्यादा बनाऊंगी, थोड़ा सा बना लूंगी बस। चलो ठीक है मैं लेके आता हूँ भाई। अब ये बताया कि नहीं, बस ऐसे ही बातें करती रहेगी। अभी जो ये ट्राली हमारी आ गई है दूसरी रेत की, तो हमने अर्जेंट मंगवाई है क्योंकि मिस्त्री भाइयों ने जो है ना खत्म कर दी थी रेत दूसरी, तो ये भाई जो है ना लेके आए हैं ट्राली रेत की। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? ठीक है। कितना देर हो गई आए हुए आपको? कितना देर थी तक आए हुए? अच्छा, चलो इनको लेट हो गया है तो माजरत चाहते हैं इनसे, क्योंकि मैं वहाँ घर था तो थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पहुँचते हुए। मुझे अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखवाता हूँ जो काम अभी हो रहा है। माशाल्लाह से ये जो दीवार है ना अभी थोड़ी सी रहती है, मतलब तीन चार अद्धे रहती हैं सड़क के बराबर होने तक। अभी इनका हाथ नहीं पहुँच रहा, अभी इसको छोड़ देंगे, फिर इस दीवार को उसके बराबर करेंगे, ये वाली दीवार जो है, तो ये जहाँ तक होगी होगी, तो उसके बाद जो है ना छुट्टी करेंगे इसकी मेरे ख्याल से, तो शाम तक जो है ना ये दीवार उसके बराबर होगी बस। तो कल ये एक मिस्त्री और लेके आएंगे, तीन मिस्त्री हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह कल और परसों वाले दिन तक ना दो दिनों में ये भराई जो है ना वो हो जाएगी ऊपर तक जो है ना, जो हमारे बुनियादें हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद लेंटर डाल के इन्होंने भर्ती, हमने भर्ती डाल दी है, ये लेंटर डाल के चले जाएंगे, फिर दो दिन इसको हवा लगेगी, उसके बाद भर्ती डालना शुरू कर देंगे इसके अंदर। और ये मेरे पास सप्लाई है, सुबह में लेके आया था तो ये काम नहीं आई, वैसे मोटर जाम थी, अबू ने कहा शायद बैटरी ख़त्म हो गई हुई है, लेकिन बैटरी ख़त्म नहीं हुई हुई थी, तो मोटर को हमने तेल लगाया तो वो चल गई। तो ये जो है ना पानी की टैंकी, इसको भी हमने भर के रख दिया है, जैसे आज मोटर नहीं चली तो आज काम जो है ना बंद हो जाना था, लेकिन शुक्र है कि मोटर चल गई, उसको तेल वगैरह लगाया तो वो चल गई। इसी तरह अगर मोटर नहीं चलेगी या लेट चलेगी तो फिर टैंकी साथ होगी, ये भरी पड़ी होगी, तो इससे हम काम चलाते रहेंगे जैसे कि हम घर में किया करते थे। तो ये सप्लाई मैं अब दोबारा लेके जा रहा हूँ घर, क्योंकि हमने जो ना वहाँ पे टैंकी है ना हमारी पानी वाली, तो उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है, अभी ये चल रही है सप्लाई और मोटर भी चल रही है, ये देखें, और अभी हमारी टैंकी जो है ना वो फिल हो रही है। चलें जी, माशाल्लाह से ये दीवार भी कुछ हो गई है और वो दीवार भी हो गई है, तो अभी शाम के 5 का टाइम हो चुका है, तो अभी ये मेरे ख्याल में छुट्टी करेंगे, और मोटर भी उन्होंने खोल ली है, पाइप भी अंदर उधर घर में रख दिया है, तो बाकी जो छोटा मोटा सामान पड़ा होगा यहाँ पे, हमने इनको प्याले भी दिए थे चाय वगैरह के लिए, और बैटरी भी वहाँ पर पड़ी हुई है, और सारा सामान मतलब यहाँ पे है, तो ये अभी इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके निकाल के उधर कमरे में रखेंगे, उसके बाद जो है ना ये घर जाएंगे इंशाल्लाह, फिर सुबह जो है ना दोबारा काम हमारा कंटिन्यू होगा। और एक ट्राली जो है ना जो कल हमने मंगवाई थी रात को आई थी, उसकी जो है ना काफ़ी सारी यहाँ इस्तेमाल कर ली है, बाकी ये थोड़ी सी बची हुई है, वो ट्राली हमारी पूरी बची हुई है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुबह एक और ट्राली भी आ जाएगी, तो इंशाल्लाह अब एक मिस्त्री इनका सुबह और भी आ जाएगा, तो काम जो है ना जल्दी से जो ये खींचेंगे, तो इस जुमेरात तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्होंने खुद कहा है कि हम पूरी जो है ना चार दीवारी और जो कमरों की है ना बुनियादें वो सड़क के बराबर हम यहाँ पे लेवल तक कर देंगे, फिर उसके बाद आपने जो है ना इसके अंदर भर्ती डालना शुरू कर देना है। तो अभी हम चलते हैं, हमें एक और काम करना है, एक हमने जो पिछली बार आपको दिखाया था एक बेवा औरत का कमरा बनवाना था हमने, तो वो हमने वहाँ पे टीयर गार्डर और सरिया डाला था, तो वो हमारी अम्मी जान है यूके से, पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, मैंने कनाडा अमेरिका कह दिया था, तो वो यूके से हैं हमारी अम्मी जान, वो बनवा के दे रही हैं, तो अभी चलते हैं उनकी टाइल वहाँ पे डलवाते हैं। अभी जो है ना आपको मैंने बताया था कि मैं टाइल लोड करने के लिए जा रहा हूँ, जो हमारी बेवा एक बहन है उनके लिए हमने कमरा तैयार करवाना है, हमारी अम्मी जो हैं यूके से वो बनवा के दे रही हैं, तो ये जो है ना वो टाइल है,
अब्बास भाई को मैंने बुलाया है कि आप जो है ना आएँ और टाइल लोड करके रिक्शे पे छोड़ के आएँ। शापर भाई ने देना है और आमिर भाई हैं, वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, तो शापर आप काट दीजिएगा, ठीक है ना? तो आप लोड करें, मैं आता हूँ, ठीक है ना? फिर इकट्ठे चलेंगे, वहाँ पे उतार के आएंगे। अभी जी मिस्त्री मजदूर चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे आया था और मुझे फ़ोन आया था रेत वालों का, एक और ट्राली रेत की आ रही है। हमने खुद ऑर्डर दिया था क्योंकि हमने कहा चलें एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं, स्पेयर स्टॉक मंगवा लेते हैं, ताकि जब हम कभी कभार वो उनकी ट्रालियाँ मसरूफ़ होती हैं, वो हमें रेत नहीं दे पाते, तो हम हमारे पास रेत पड़ी हो, तो इसलिए ना हमने कहा चले दो ट्रालियाँ मंगवा लेते हैं ताकि हमारे पास रेत एक्स्ट्रा पड़ी हुई हो। आज भी ये ट्राली नहीं आ रही थी, तो उन्होंने जो है ना अपने मुंह मांगे पैसे मांगे हैं, तो 1000-1500 एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा मांगा है, तभी ये ट्राली वो यहाँ पे उन्होंने छोड़ने के लिए वो आए थे, वरना वो ट्राली यहाँ पे नहीं मतलब डालने के लिए आ रहे थे। तो वो कह रहे थे कि हमने किसी और जगह पे जानी है, तो फिर उन्होंने कहा कि चलें हमें इतने पैसे दे दें, तो मतलब जिस लिमिट पे ट्राली वो देते थे उससे 1500 रुपये में ज़्यादा हमसे ज़्यादा लिए हैं, हालांकि मस्जिद का काम है तो उनको शर्म आनी चाहिए वैसे तो, कि ज़्यादा पैसे हमसे ना मांगे। हमारे पास रेत वैसे ख़त्म हो गई थी लेकिन हमारी मजबूरी का उन्होंने फ़ायदा उठाया है, तो गलत बात है। चलें अल्लाह पाक बेहतर जानता है, अल्लाह पाक हो सकता है उनसे ज़्यादा निकलवा ले फिर बाद में, तो ये अब उन पे है कि अगर वो 1500 कम दे देते हो सकता था कि जन्नत में उनका घर बन जाता, लेकिन उनको ये गवारा नहीं था, उनको पैसे चाहिए थे, तो कोई बात नहीं हमने उनको दे दिए। हमने कहा चलें कोई बात नहीं, तो हमने वो ट्राली डरवा ली क्योंकि यहाँ पे जो ना रेत हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इसलिए ना हमने कहा चलें आ जाए। तो एक और ट्राली आ रही है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो आएगी उसको वो उतारेगी तो मैं उसको पेमेंट दूंगा फिर मैं चला जाऊँगा। तो जी माशाल्लाह से एक और ट्राली भी हमारी रेत की आ गई है जिसका मैं आपको कह रहा था, तो ये है जी हमारी तीसरी ट्राली रेत की, अभी ये उतारेंगे यहाँ पे इस जगह के ऊपर। अभी जी माशाल्लाह से ट्राली है ना दूसरी हमारी उतर गई है, तो अभी इसको करते हैं जी भाई को पेमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं घर आ चुका हूँ और मैं कह रहा था कि मैं कोई नमकीन चीज़ लूँगा, लेकिन नमकीन चीज़ मुझे कोई समझ नहीं आई मैं क्या लूँ, फिर मैं ना ये फ्रूट केक जूस और थोड़ी सी मिठाई ले ली है। जो फ्रूट केक होते हैं ना ये हम चाय के साथ शाम को खाएंगे, चाय तो वैसे बनाते हैं ना हम, ठीक है ना? हाँ, तो ये जूस थोड़ा सा मुझे निकाल के ना डाल दो गिलास के अंदर, मैं पी के ना जाता हूँ। वो जो हमारी बहन थी ना उनके घर में ईंटें जा रही हैं और टाइल भी जा रही है, तो मैं वो उतरवाता हूँ। टाइल कौन सी? छत की? छत की टाइल, हाँ। वो भी उसके साथ लदवा दी है ट्राली के ऊपर? नहीं, वो रिक्शे के ऊपर है। अच्छा, हाँ, तो रिक्शे के ऊपर जा रही है ना वो, और दूसरा जो ईंट थी हमारी वो ट्राली के ऊपर जा रही है। अब 5000 ईंट रिक्शे पे जाती, तो डाल दो मुझे जूस थोड़ा सा, मैं जाऊँ फिर, क्योंकि सारा दिन भागते भागते ना इधर उधर फिर गला खुश्क हो जाता है, फिर बंदा करता है कि कोई ठंडा, बंदे का दिल करता है कोई ठंडी चीज़ हो बंदा खाए। तो ये देखें ये चिड़िया बैठी हुई है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं जी लाली। हाय लाली, कैसी हो आप? उधर कौन आपसी आपकी बहन बैठी हुई है उधर, हैं? वो शर्मा गई है, वो ऊपर चली गई है उधर, कहती है अहमद ने मेरा नाम लिया है तो मैं शर्मा गई हूँ, मैं उधर जा रही हूँ। ओ, ये भी शर्मा गई है। तो जी माशाल्लाह से टाइल भी आ चुकी है और शॉपर भी आ चुका है जो छत के ऊपर बिछाएंगे, और ईंटों की ट्राली भी आ चुकी है। ईंटें जो है ना वो पहले मुझसे डाल के चला गया था बंदा ट्राली वाला, तो अभी आपको वो भी दिखाते हैं। तकरीबन सामान मुकम्मल होने वाला है, बस जब मिस्त्री लगाएंगे ना सीमेंट उसी वक्त हम मंगवा लेंगे, और रेत के रिक्शे भी उसी वक्त हम मंगवा लेंगे, क्योंकि अगर हम पहले मंगवाएंगे तो रेत उड़ जाएगी हवा से और जो सीमेंट है वो ख़राब हो जाएगी, तो जब मिस्त्री लगाएंगे उससे एक दिन पहले हम मंगवा लेंगे सारा सामान। बाकी जो सामान है, बाकी दो चीज़ें रहती हैं बस, सीमेंट और रेत रहती है हमारी, बाकी टोटल सामान मुकम्मल हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस बहन का कमरा हम स्टार्ट करवा देंगे।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरव्यू उतार के चला गया है ट्राली वाला। तो ये जो है ना इंशाल्लाह अभी हम जब स्टार्ट करवाएंगे ना, तो ये जो घर है ना ये उस हमारी बहन का घर है, तो इसकी छतें जो है ना वो गिरी हुई हैं, तो एक दीवार भी इसकी गिरी हुई है। तो ये जो इसकी ईंटें होंगी ना पुरानी, तो वो मुझे कह रही थी कि ये हम जो कमरे गिरे हुए हैं इनको हम निकाल के ईंटें इसकी चार दीवारी दिलवा देंगे, क्योंकि चार दीवारी सारी जो है ना गिरी हुई है। ये देखें इधर से ना चार दीवारी गिरी हुई है और उस तरफ ना बिल्कुल गिर गई है चार दीवारी। तो वो चार दीवारी जो है ना इस चार दीवारी को कच्ची को तोड़ के वो उस वही ईंटें यहाँ पे इस्तेमाल कर लेगी, और वो जो बाथरूम है उस बाथरूम की हमने छत डलवा के देनी है, छत डलवा के देनी है, और उसके आगे दरवाज़ा नहीं है, तो वो हमने दरवाज़ा बिना रेडीमेड मिलता है तो वो हम यहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे इनको। तो ये आप देखें ये जो दीवार है ना, इस दीवार का मैं आपको कह रहा था, ये जो दीवार है इस कमरे को तोड़ के ना इसकी जो ईंटें होंगी कुछ इस्तेमाल की होंगी कुछ इस्तेमाल की नहीं होंगी, तो जो इस्तेमाल की होंगी वो यहाँ से उठा के ईंटें वो यहाँ पे लगवा देगी चार दीवारी के ऊपर। तो जो इस ये है वाशरूम है उनका, तो वाशरूम जो है ना छत डलवा देगी इसका देंगे हम इनको, और यहाँ पे दरवाज़ा जो है ना हम लगवा देंगे इनको, एक रेडीमेड मिलता है लोहे का दरवाज़ा तो वो हम लगवा देंगे इनको। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हम इनका काम शुरू करवा देंगे, मिस्त्री अब ढूंढने के 2-3 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई मिस्त्री मिल जाएगा, तो उनको हम दे देते हैं ठेका, वो जल्दी जो है ना वो काम या हमारा ख़त्म कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी प्यारे बहन भाई, मैं वापस आ चुका हूँ और मुझे नींद आई हुई है। दोपहर को भी मैं नहीं सोया था, फिर क्योंकि दोपहर को हम काम करते हैं ना फिर नींद ही नहीं आती, दिमाग ऐसे पट्टा पट्टा सा रहता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई काम हमसे मिस हो जाए। क्या हुआ है रजाई मैंने डाली है ना, तो कहते हैं रजाई डाल दी, आप अच्छा। जूते ना गीले किया करो टूट जाएंगे, ये वाटरप्रूफ है, फिर वो कहते हैं ऐसा ना कि टूट जाते हैं, नहीं टूटते, उन्होंने कहा गारंटी है अगर टूट जाए लेके आना पैसे ले जाना अपने। हाँ जूते भी नहीं देंगे वो, कहेंगे वो उन्होंने कहा पैसे ले जाना, अच्छे हैं नहीं टूटते। पता नहीं कितने के लेके आए थे, ये सस्ते हैं 800 के हैं, तो सस्ते नहीं है फिर। हाँ खाना खा लो आप, हैं भी अच्छे ब्रांड्स ब्रांड के हैं। तो जी प्यारे बहन भाई अभी जो है ना हम आपको टिंडो की लुक दिखाते हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हुए लजीज बने हुए हैं, मेरे मुंह में पानी आ गया है, लेकिन ये मैडम साहब कहती है मेरे लिए चेंज करवा के लाओ अम्मी वालों के घर से, मेरी टांगे दुख रही हैं। हाँ भाग भागे आखिरी काम इसने बताया हुआ था कि मेरे सरन भी मेरा चेंज करवा के लाओ अम्मी वालों के घर से, मैंने आपकी फरमाइश पे बनाए चिंजे मैं नहीं खाती, नहीं जब हम हमारी शादी हुई थी नई नई तब तो आप बड़े शौक से पकाती थी, अब खुद भी खाती थी मुझे भी खिलाती थी टिंडे, हैं मेरी आदत बना के टिंडों की टिंडे खाने की, अब खुद कहती है मैं नहीं खा रही टिंडे, इसके काम चेक करें अब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, जाओ और खाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ। मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं यही आपको खिलाऊंगा, देखना मैं भूखी सो जाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ पांव बांध के ना मैं चम्मच के साथ ना एक डुबो डुबो के खिलाऊंगा मैं आपको, आप देखना। ये ले जाओ खुद खाओ, मेरा आप दिल नहीं कर रहा तो फिर मैं क्या करूँ, दिल नहीं कर रहा तो फिर खाओगे यही आज। ये लो यार टिंडे कौन से इसमें क्या होता है जो आप नहीं खाती, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं क्या करूँ फिर, पहले तो दिल करता था आपका खाने का टिंडे, बस वो ना कुछ दिन हुए कि मेरा अब दिल ही नहीं कर रहा टिंडे। अच्छा देखिए जी प्यारे भाई बहुत अच्छे बने हुए हैं, हाँ मैंने अच्छे बनाए हैं बहुत ही जबरदस्त बनाए, लेकिन नखरे इसके नखरे हैं कि वो दम में नहीं ले रहे। अच्छा मेरी बात मान लोगे तो क्या होगा, मैंने रोटी बना कर रखी अपनी की, चलो ये दूध लेने जाएगा सालन चेंज कर, नहीं प्यार से रिक्वेस्ट करो फिर ले आता हूँ। हाँ। अहमद साहब टिंडे चेंज करवा दे ऐसे कहो, हाथ बांधो घर पास होता ना मैंने इसकी मिन्नत नहीं करनी थी, मैंने नहीं वैसे कौन सी मिन्नत करे, मेरी मिन्नत करो मैं ले आता हूँ फिर। हाँ, बात है सीधी, दूर है ना इस वजह से ये नखरे कर रहा है, कौन सा दूर है घर साथ ही तो है, कुत्ते तो होते हैं ना हम गांव में रहते हैं ना। नहीं आप मुझे पहले प्यार से कहो फिर हाथ जोड़ो फिर मैं जाता हूँ, बताना फिर हाथ जोड़ती हूँ फिर बताना जब मैं जाऊँ टिंडे चेंज करवाने टिंडे। अच्छा खाऊं ना, मैं आपको टिंडे खिलाऊंगा फिर, जाओ ले जाओ मैं नहीं खाती, ना खाओ आज भूखी सोएगी प्यार बन भाई ये।
पैगंबर ये कह रही है कि ना तुम जाओ और मेरे नसारा चिन्ह करवा के आओ, चलो आप भी साथ चलो मेरे। मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। अच्छा ये थक जाती है लेकिन मैं नहीं थकता। मैं थकावट की वजह से मेरे टांगों में सांस ही नहीं है, मैं बैठ गई नीचे। चलना है नहीं चलना, वरना मैं सो रहा हूँ। आप सो जाओ, मैं नहीं करवा, मैं सारा रोटी नहीं खाती, बस जा। क्या मतलब? हाँ जी चलना है सलाम चिन्ह करवाए, नहीं चलना। मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ, आप जाओ चेंज करवा के लिए। चलो ठीक है प्यारे बहन भाई, आपको पता है मर्द जो है ना हर जगह पे कुर्बानियां देते हैं, तो यहाँ पे मुझे कुर्बानी देनी पड़ रही है। कुर्बानी कौन सी देनी? और नहीं तो क्या, सारा दिन तो मैं भागता हूँ, फिर आप अभी आपके काम भी रुके हुए होते हैं, शाम को अभी जाना पड़ेगा मुझे। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।